told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है. आज से हमारा ट्रैवल सीरीज शुरू होगा. द रीजन बिहाइंड आई ओपन दिस चैनल, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल हो नहीं पाया क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था. तो गाइज आज मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ शेंगेन वीज़ा. बहुत ही मारा मारी चल रही है वीज़ा की, क्योंकि 3 साल के बाद ट्रैवल खुला है एंड सारे यूरोप भाग रहे हैं. अभी समर वेकेशंस है तो एंड काफ़ी सारे लोगों की छुट्टियाँ भी चल रही है, तो सारे के सारे यूरोपीय भाग रहे हैं. मतलब लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है. थैंक गॉड लकीली मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई है. तो टुडे इज 13th of June और बज रहे हैं 10:30. 11:30 की अपनी अपॉइंटमेंट है फ्रॉम BLS स्पेन वीज़ा अप्लीकेशन सेंटर, जो कि है पचकुया रोड में. पूरा प्रोसेस बताऊँगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब अपॉइंटमेंट लेनी है. बस प्रे करिए कि तुम्हारा भाई का वीज़ा आ जाए, क्योंकि 3 साल हो गया है. एंड गाइस कीप सपोर्टिंग, क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ इस बार. अगर ये मेरा ट्रिप सक्सेसफुल हो जाता है, वीज़ा मिल जाता है, बस आप प्रे कीजिए बाय गॉड ग्रेस कि वीज़ा मिल जाए. और यही होता है जब आप बहुत जल्दबाजी करते हो. थैंक गॉड मैं ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा था, मेरे को फोटोकॉपी करानी थी. मैं अपना पासपोर्ट ही भूल गया, बताओ भाई. पासपोर्ट ही भूल गया मैं. अब मम्मी को कॉल कर रहा हूँ. हाँ मम्मी. हाँ हाँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. वो पासपोर्ट ही भूल गया मैं. पासपोर्ट भूल गया? हाँ. एक काम करो, मेरा जो अलमारी है ना, मेरा जो अलमारी है उसमें वो लैपटॉप वाला बैग है ना, उसके अंदर मैंने रखा हुआ वो लंबे वाले पर्स में, निकाल के ऊपर से फेंक देना. 2 मिनट में आ रहा हूँ. लाइट भी आया नहीं भाई, अंधेरा. अरे वो अलमारी खोलोगे तो बैग तो ऐसी पकड़ में भी आ जाएगा. लैपटॉप वाला जो बैग है ना उसके अंदर रखा हुआ है. हाँ 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 चेक करो जल्दी, फिर मैं ऊपर आने का वो नहीं पड़ेगा ना मेरे को. ठीक है चलो 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 ओके. ऐसा भी होता है भाइयों, ऐसा भी होता है. मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप वीजा अपॉइंटमेंट लेते हो, अब ये मैंने बस ले ली क्योंकि मेरे को ये था कि मिल जाए अपॉइंटमेंट. कभी भी अपॉइंटमेंट लो तो आफ्टरनून की लो, ताकि आपको कुछ एंड मोमेंट डॉक्यूमेंटेशन करनी हो या कुछ प्रिंट करना हो तो आपके पास टाइम हो. तो गाइस फटाफट मैंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया. ऐसा ऐसा भी होता है भाई. बताओ बंदा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा रहा है और पासपोर्ट ही भूल गया. और इमेजिन करो अगर मैं वहाँ भूल जाता, मेरे घर से वसंत कुंज से पचकुया रोड इट ऑलमोस्ट टेक्स अराउंड लाइक 25 to 30 minutes, तो सोचो कि क्या होता. वो तो मैं जब जाता हूँ ना, कहीं भी निकलता हूँ किसी काम के लिए, तो मैंने मन में कैलकुलेट करता हूँ 10-15 मिनट तक घर से निकलते साथ ही कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है. और एकदम से मुझे फोटोकॉपी कराता स्ट्राइक हुआ कि यार पासपोर्ट ना भूल जाऊँ मैं, और वही हुआ. तो गाइस ऐसी चीज़ें भी होती हैं. तो गाइज हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. ये लेफ्ट में ही कहीं है BLS इंटरनेशनल स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. यार ये ट्रैफिक, मेरी अपॉइंटमेंट 11:30 से 11:45 की थी और 11:40 हो चुके हैं. बस ये लेफ्ट में है, यही है. तो गाइज ये है स्पेन का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और ये इसका आसपास के एरिया. कोई पार्किंग नहीं होती यहाँ पर, ये आप देख सकते हो. तो मेक श्योर कि आप पहले आओ. ये कोई पार्किंग नहीं है, पूरा ट्रैफिक है. पूरा यहाँ से या कहीं भी नहीं. तो गाइस हमारा सबमिशन हो चुका है एंड थैंकफुली सब चीज इट वाज स्मूथ. खैर मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा काफी, बड़े चौके, क्योंकि टाइम तो लगता है इन सब चीजों में, यू नीड टू हैव पेशेंस. बट हर चीज हो गया बहुत अच्छे से. तुम्हारे भाई ने वहां से निकलते साथ ही पहाड़गंज के, क्योंकि पचकुया बिल्कुल पहाड़गंज एक साथ ही एक तरीके से, राजमा और रोटी खाया क्योंकि लंच का टाइम हो गया था भाई.
बस अपना मस्त खाया निकल चुके हैं। एंड एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूँ तो इट वॉज, मैं पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ, इनका प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है BLS वालों का, जो स्पेन एप्लीकेशन वीजा सेंटर, इनका द स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, तो सब चीज़ अच्छे से हो गया, टाइम से हो गया, ठीक है। आई एम, लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। बस अब निकल चुका हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ, फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ बाद में कि क्या क्या चीज़ लगाई मैंने एंड पूरा प्रोसीजर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।